विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में अखिल भारतीय प्राइज मनी महिला आमंत्रण हॉकी प्रतियोगिता का सोमवार को वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के हॉकी स्टोट्रफ मैदान पर उद्घाटन हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच एसएसबी लखनऊ और महाराष्ट्र एकादश के बीच खेला गया, जिसमें एसएसबी की खिलाड़ियों ने महाराष्ट्र को 3-2 के अंतर से हराकर जीत के आगाज किया। शुभारंभ मैच में बतौर मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल ने शिरकत किया और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया। अखिल भारतीय प्राइज मनी हॉकी प्रतियोगिता में देश की प्रतिष्ठित 12 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों सहित उभरते हुए खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता का फाइनल मैच 3 मार्च को खेला जाएगा। प्रतियोगिता में विजेता टीम को 2 लाख, उपविजेता टीम को 1 लाख और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 50,000 रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। उद्घाटन मैच में गोरखपुर हॉकी संघ के अध्यक्ष धीरज सिंह हरीश, मंडल के क्रीड़ा अधिकारी ए.के. पांडे, स्थानीय पार्षद सिंह छोटू, पार्षद जितेंद्र सिंह सैनी, पूर्व पार्षद मनीष सिंह सहित आयोजन समिति के सदस्य, प्रतिभागी खिलाड़ी और समर्थक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गोरखपुर हॉकी संघ के अध्यक्ष धीरज सिंह हरीश ने कहा, गोरखपुर के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी और वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज को कहा कि आप उसको लेकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। अनुरोध कोच धीरज सिंह हरी जी को बैज लगाएं। अनुरोध करूंगा अजय सिंह जी आप आए और पूर्वोत्तर रेलवे के डिप्टी सीएम श्री बहुत अच्छा थोड़ा कैमरा पीछे करो भाई, थोड़ा कैमरा पीछे। पीछे करो कैमरा, ना जूम नहीं कर सकते हैं हमारे माता पिता जी। हाँ बहुत अच्छा। क्या नाम? फेली। किस स्टेट से? महाराष्ट्र। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। Yeah.
अभी बीते 10 फरवरी को इस गोरखपुर जी की जनता ने एक अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत और फ्रांस के बीच देखा था। उसके बाद यह अखिल भारतीय प्राइज मनी आमंत्रण प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश सरकार के तत्वाधान में हॉकी इंडिया के सहयोग से आयोजित हुई है, जिसमें विजेता टीम को 2,00,000 रुपये की पुरस्कार राशि, उपविजेता टीम को 1,00,000 की पुरस्कार राशि और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 50,000 की राशि दी जाएगी। कुल 12 टीमों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, जिसमें कि विभिन्न टीमों से अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर चुकी भारतीय टीम के खिलाड़ी इसमें उपलब्ध हैं। ओलंपिक में, एशियाड में, अन्य खेलों में जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, अनेक टीमों से वे इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। और ये 12 टीमें जो इसमें खेल रही हैं, ये भारत की सभी प्रमुख टीमें हैं। और मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि गोरखपुर की खेल प्रेमी जनता को इस खेल के माध्यम से, इस हॉकी के माध्यम से एक नई दिशा मिलेगी, जिससे कि जो कि यहाँ के नए बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, उनको भी आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मैं इसकी आशा करता हूँ।